याद रखें, बच्चों के साथ दोस्ती बड़ा बन के, जिस भी माँ और बाप ने मुझे आके कहा जी मेरी तो बच्चों से दोस्ती नहीं होती, वो असल में इग्विस्टिक औरत होती है, मर्द होता है। बच्चों के साथ दोस्ती होती है मर मिट के, उनके लेवल पे आके, उनकी सतह पे आके। छोटे काके को देखी नहीं तो वो मेरा चोना शहजादा, उन्होंने आवाज बदल लेता, लहजा बदल लेता, एक्सप्रेशन बदल लेता, बोलू करता है ना बंदा। उस टाइम बंदा हो जाए सीधा हो जाए, तू भी कम लाया डेली पैंपर चेंज, डेली पैंपर चेंज, डेली पैंपर चेंज करते हो आप। याद रखिए, आपका बच्चा जितना आप उसके साथ मिटेंगे, उसके लेवल पे आएंगे, बच्चे बनेंगे। यार आप उस रसूल का कलमा पढ़ते हैं जिनके कंधे पे बच्चे सवार होते थे, सोचें यार कौन सी ईगो आपकी, जो नमाज की हालत में उनके नवासे सवार हो जाते थे, वो हटते नहीं थे, सजदा लंबा कर देते थे, उसे चुक चुक के मार दो, उसको गुंजाइश तो देना यार, क्या समझें। सो नतीजा ये याद रखिए कि अपने अंदर सुनने का, जोड़ने का, साथ मिलाने का ज़र्फ पैदा करें। और अच्छा एक आखिरी बात साथ जोड़ दूँ, अक्सी मुफ्ती साहब बड़े अच्छे, हमारे निकते वाले मुमताज़ मुफ्ती साहब के साहबजादे भी हैं, उनकी किताब में मैंने पढ़ा, वो कहते हैं मेरे बाप ने एक बड़ी ज्यादती की मेरे साथ, मुझे दोस्त बना लिया, फिर मेरा कोई दोस्त नहीं बना। असली दोस्त नहीं बनना, असली दोस्त उनकी उम्र के ही होते हैं। असली दोस्त क्या होता है, दोस्त असल में ना उसके साथ हयादारियाँ नहीं होती, अब चीज़ें ख़त्म होती हैं, आप असल में उस कनेक्शन में दोस्त बने हुए हैं, हम्बल हैं, पॉजिटिव हैं, फैसिलिटेटर हैं, वेल विशर हैं, अकोमोडेटिंग हैं, बर्दाश्त करते हैं, गीली जगह सो जाते हैं, उसको सुला देते हैं, इट्स अ गुड थिंग। बट आप उस लेवल की अपनी फ्रेंकनेस शेयर करने लग पड़े जो असल दोस्तों के साथ होती, कभी ना कीजिए, वो अकेला हो जाएगा फिर वो। आप एक बाप और बेटे का और माँ और बेटी का डिफरेंस रहना चाहिए, वो हयादारियाँ रहनी चाहिए, वो रहें तो रिलेशंस के हुसन रहते हैं, वो ख़त्म हो जाएं तो रिलेशंस फिर। सो दोस्ती बनाने के लिए उसको समझें और अपने आप को कभी कभी समझाएं, उसको साथ मिलाएं अपनी एक्टिविटीज़ में, कभी कभी साथ रखें, कभी कभी साथ ट्रेवल करवाएं, कभी कभी कुछ माहौल फिल्टर दें, कभी कभी कुछ फैसिलिटेट करें, उनको लगे कि यार ये मेरे बाप ने कुछ हटके किया। याद रखिए, बच्चे में डाटा एब्जॉर्व करने की हिस्स सबसे ज़्यादा बचपन से होती है, हैरत होती है, पापा बादल क्यों उड़ते हैं, चुप कर उठ देने वड्डा आया, अपना काम कर उठ देने, तेनों की कहते पहने। सबसे ज्यादा सवाल बच्चे के पास बचपन में होंगे और उनको या आप फिल कर सकते हैं, या इंसाइक्लोपीडियाज कर सकते हैं, या माहौल कर सकता है, ऐसा माहौल जिसमें मैक्सिमम उसके क्वेश्चंस के आंसर, उसकी हैरत का जवाब मिले। हम उसे शटअप करते हैं, हम सवाल पे शटअप करते हैं, हम बताने पे शटअप करते हैं, हम एक गैप क्रिएट करते हैं, वो ऐसा गैप जिससे सवाल होता ही नहीं है बच्चे से। तो मैं बड़ा गुड लक समझता हूँ अगर आप में से किसी का भी बच्चा आपसे आके पूछता है कि पापा ये मुझे नहीं बता, बता सकते, ये साइन है कि आपका कनेक्शन उसके पास है। अगर आपका बच्चा आके प्रॉब्लम बताता है कि पापा मैं वैन में जाता हूँ, वैन वाला ये करता है, लिसन आप सुनते हो और उस मसले को हल करते हो, गुड लक, इट्स गुड साइन कि वो आता है, मसला आपको आके बताता है। लेकिन अगर वो पी जाए, उसको पता मैंने बताया मुझे कुट पड़ेगी, मुझे शटअप कॉल दी जाएगी, तो फिर क्या होगा, या उसे पता अगर मसला बताया तो बाप तमाशा खड़ा कर देता है कहीं करो ये कहानी, वो भाई याद रखें आपको उड़ गया, नुकसान कर दिया। पेरेंटिंग क्लोज करूंगा इस बात के साथ, एक बर्तन खाली है, दूसरा बर्तन भरा हुआ है, और दोनों में कोई कनेक्शन है, इसका नाम है। इस बर्तन में होगा ही कुछ नहीं तो ये किसी कनेक्शन से इसमें डालेगा भी नहीं, और अगर इस बर्तन में कुछ होगा तो दरमियान में वो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन, राबता, जुड़ना, इमोशनल फुलफिलमेंट, फील करवाना, फील करना। ये आप नहीं करवाएंगे बच्चे की जात कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। मैंने बड़े अधूरे मिच्योर लोगों को देखा है, अधूरे मिच्योर, उम्र में बड़े हो चुके हैं, अंदर अधूरापन, और वो अधूरापन कहाँ से मिला, उनको घर से मिला, काश के कोई साथ लगाता, काश के कोई सुनता। इवन यहाँ तक रिसर्च आ चुकी है, कई बच्चे होते हैं ना रोते हैं और माए ध्यान नहीं, रोंदा रहे चुप कर जाएगा, वो बड़े होके सफाक हो जाते हैं, क्रूअल, क्रिमिनल, क्योंकि उनकी नहीं ना सुनी होती, उनके अंदर का एक दरिंदा उठ जाता है, बच्चों को टेंशन चाहिए होती है, ये उनका हक है, वो मोहताज है ना, उनका हक है कि वो आपसे फीड लेते हैं, आप छोड़ के आते हैं, आपकी प्रोटेक्शन से चलते हैं, सड़क क्रॉस नहीं कर सकते, ये केयर, ये अटेंशन
ये रابता खुदा के लिए ये कभी ना तोड़िए।